नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के भवरकुआ पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कर्ज से बचने के लिए झूठी लूट की कहानी रची थी और लूट का प्रकरण दर्ज करवाया था। दरअसल पूरा मामला इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहाँ आरोपी ने खुद के मुंह पर मिर्ची पाउडर डाला और नकली चम्मच से खुद को चोट पहुंचाई थी। राजेश दंदोटी एडिशनल डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता नौशाद, जो कोहिनूर नगर के रहने वाले हैं, इसी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो रिंग रोड आईटी पार्क से राजीव गांधी चौराहे तरफ जा रहा था, तभी वहां से निकलते समय प्रतीक्षा ढाबा के पास तीन बदमाशों ने उसके ऊपर मिर्ची पाउडर डाला और चाकू मारकर स्कूटर की डिक्की में रखे 150,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भवरकुआ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास लोगों ने इस घटना के बारे में पूछताछ की गई है, लेकिन लूट जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। जब फरियादी नौशाद से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो कुछ ही देर में टूट गया और उसने बताया कि दुकान मालिक इदरीश खान से उसने ईद के पूर्व 1.5 लाख रुपये उधार लिए थे और वो लगातार अपने रुपयों की मांग कर रहा था। किसी उधारी को चुकाने के लिए उसने इस नकली लूट की वारदात को अंजाम दिया है। एक थाना भवरकुआ में एक झूठी लूट की घटना सामने आई थी, जिसे फरियादी जो कि नौशाद खान है, जो कि इदरीश खान के यहाँ काम करता है, उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं जब प्रतीक्षा ढाबे के पास पहुंचा था तो मेरे पास तीन लोग आए जिन्होंने मेरे आंखों में मिर्ची डाल दी और मेरे पेट में चाकू मार दिया। इस तरीके से सूचना जब दी तो थाना प्रभारी भवरकुआ के द्वारा इसको वेरीफाई किया गया, तो बात शुरू में ही इसकी बनावटी लग रही थी। जब इससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने खुद ही घर से मिर्ची पाउडर लाया था और जो चम्मच नकली होती है, नकली चम्मच से उसने पेट में लगा दिया था, जिससे चोट चाकू की लगे। और उसके बाद फिर इसने जो अपनी एक्टिवा से जा रहा था और तब इसने झूठी घटना बनाई है। बेसिकली इदरीश खान के यहाँ काम करता है, उसके द्वारा ये बताया गया कि लगभग तीन महीने पहले ईद से पहले इसने 1.5 लाख रुपये उससे उधार लिए थे और उसको पैसा वापस करना था, तो उसने 1.5 लाख रुपये की झूठी लूट की साजिश रची, जिसके तहत उसको पैसा वापस ना करना पड़े और ये लूटे हुआ पैसा उसको वापस दे दे। तो इस पर से इसने कहानी बनाकर ये लूट की घटना कारित की थी, लेकिन इसका समय रहते थाना प्रभारी भवरकुआ और उनकी टीम के द्वारा समय रहते सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, आसपास के साक्षियों के आधार पर और जो लोग ठेले वाले थे या सब्जी वाले थे, उन सबसे पूछताछ के आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई है। आरोपी पर जो फरियादी है उसको आरोपी बनाया जाकर वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ की जा रही है।